तो छोटी सी लेक या पॉन्ड जो भी था ये पूरा फ्रीज हो चुका है, -7-8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और भाई ये क्रिसमस का पेड़ देख लो, क्रिसमस आने वाला है तो पूरे कैलगरी में ऐसे अभी डेकोरेशन वगैरह चालू है। सो गाइस वेलकम टू द चैनल, आई एम जेक, और इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कैलगरी वर्सेस टोरंटो का। तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये, ठीक है। हम लोग 2.5 साल तक टोरंटो में रह चुके हैं और अब हमें पिछले 2 महीने से कैलगरी में रह रहे हैं। चलो सबसे पहला कंपैरिजन जो है वो है वेदर का, टोरंटो वर्सेस कैलगरी में भाई सर्दी ज्यादा कहाँ पे है। एक सेकंड, हम लोग ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किलशेयर। स्किलशेयर के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। चलो बात करते हैं वेदर कंडीशन की। अब बहुत सारे लोग जब कनाडा आना चाहते हैं तो टोरंटो वर्सेस कैलगरी के बीच में टोरंटो को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे सर्दी कम पड़ती है, कैलगरी में हद से ज्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। ऐसा सुनने में आया था हमारे भी, लेकिन अब हम जब कैलगरी में रह रहे हैं तो मैंने काफी डिफरेंसेस नोट किए हैं। टोरंटो में क्या था कि जब वहां सर्दी आती है, मान लो अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है नंबर और आप नीचे उतरते हो तो आपको जाके वही -4-5 फील होता है। और उसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि टोरंटो में ह्यूमिडिटी ज्यादा है और वहां पे विंड चिल होती है, हवा बहुत तेज चलती है, तो वो इतनी ज्यादा ठंडी लगती है ह्यूमिडिटी के साथ कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम लोग कई बार नीचे जाते थे वॉक करने 2 डिग्री देख के और वापस आ जाते थे वॉक शुरू होने से भी पहले, इतना बुरा हाल था हवा का। उसके अलावा वहां पे सनलाइट सर्दियों में बहुत कम होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब कैलगरी में जो हमने ऑब्जर्व किया है, आज देखो यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर है, मैं आराम से बैठ के बात कर रहा हूं, ना मेरे होंठ कांप रहे, ना फ्रीज हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, ह्यूमिडिटी नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे विंड चिल नहीं है। इस वक्त हवा की स्पीड यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है और इसी वक्त टोरंटो में ये वहां पे होती विंड की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर, और उससे पूरा वातावरण बदल जाता। तो दूसरा फैक्टर यह है कि कैलगरी में ना सनलाइट बहुत ब्राइट है, पूरी सर्दियों आपको सनलाइट मिलेगी, क्लाउडी डेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सर्दियां ज्यादा प्लेजेंट फील होती हैं। बेशक हर जगह बर्फ दिख रही है पर ये सुंदर लगने लग जाती है। तो मुझे पर्सनली कैलगरी की विंटर्स ज्यादा प्लेजेंट लगती हैं और ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप वो नंबर्स में मत जाना जो आप गूगल पे चेक करते हो, मैं यही कहूंगा कि अब तक कैलगरी की विंटर ही मुझे बेटर लगी। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो टोरंटो की विंटर्स में अच्छी है, और वो है विंटर मेंटेनेंस। वहां पे क्या होता है, जैसे स्नोफॉल होता है वो स्नो रिमूवल व्हीकल आ जाते हैं और सारी सड़कों पे से आपकी स्नो हटा के साफ कर देते हैं, तो आपको गाड़ी चलाने में और चलने फिरने में ऐसी दिक्कतें नहीं आती। कैलगरी में मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे वो स्नो रिमूवल व्हीकल नहीं आते और सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी रहती है, तो विंटर मेंटेनेंस के मामले में यस टोरंटो बेटर है। अच्छा, ये लोकेशन जहां पे मैं इस वक्त आया हूँ ये है कार्बन पार्क। तो आगे थोड़ा सा और दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे हिरन वीरन ऐसे ही घूमते रहते हैं, नजर आ जाते हैं। एक छोटा वाला वो रहा अंदर घूम रहा है, ये यहाँ पे एकदम मेरे सामने ये रहा, दैट्स अमेजिंग। बस कोई पोलर बियर ना आ जाए, इतने तो जानवर चलते हैं भाई, देख रहा है अभी मुझे, हाउ क्यूट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्किल शेयर के बारे में बता दूं। तो गाइस कैलगरी की बाकी बातें करने से पहले स्किल शेयर के बारे में बात करते हैं। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू घर पे बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में ले लो, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड वीडियो फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, यू नेम इट, और वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। और मेरा फेवरेट कोर्स मैं बता देता हूँ, हम लोग अब अल्बर्टा जा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहाँ पे फोटो बहुत खींचने पड़ेंगे। मुझे वीडियो बनाने तो आते हैं, फोटो खींचने इतने अच्छे तरीके से नहीं आते, इसीलिए मैंने DSLR फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया है स्किल शेयर पर। एंड गाइज द गुड न्यूज इज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, फर्स्ट 1000 व्यूअर्स टू क्लिक ऑन दैट लिंक विल गेट 1 month फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर प्रीमियम मेंबरशिप। और क्या चाहिए, क्लिक ऑन द लिंक। चलो अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब मार्केट। तो ऐसा सुनने में आता है अक्सर कि कैलगरी की जो जॉब मार्केट है वो लार्जली डिपेंडेंट है ऑयल एंड नेचुरल गैस पे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली है। और कहते हैं कि टोरंटो में जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही डाइवर्स है, वो भी एकदम सही बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
आप किसी भी जॉब साइट पर जाके देखो, आजकल कैलगरी में जॉब मार्केट बहुत ही डाइवर्स है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हो, उसके अलावा आईटी जॉब्स इतने सारे अवेलेबल हैं इस वक्त कैलगरी में। फेसबुक पे मैंने देखा था आरबीसी बैंक्स के फुल स्टैक जो होते हैं आईटी के डेवलपर्स वगैरह, उन सबके लिए जॉब्स निकली हुई हैं। उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में जॉब्स हैं, और रियल एस्टेट में जॉब्स हैं, रिटेल सेक्टर में जॉब्स हैं, आप मेडिकल ले लो या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री ले लो, इस वक्त कैलगरी में हर फील्ड में जॉब अवेलेबल है। डेफिनेटली टोरंटो हमेशा जॉब मार्केट में ऊपर रहा है, लेकिन आप ये देखते हैं अगर वहाँ जॉब ज्यादा है तो वो जॉब्स पे इंटरव्यू पे जाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, उस जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैलगरी। तो जॉब मार्केट के मामले में मत घबराना, अगर आप कैलगरी आना चाहते हो तो यहाँ पर भी जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं। ये बो रिवर है, पूरी कैलगरी सिटी में आपको ये बहती हुई नजर आ जाएगी, बहुत ही सुंदर लगती है, हर जगह से दिख जाती है। और ये जो पक्षी दिख रहे हैं इसमें, ये गीज हैं, ये भी पूरे कनाडा में हर जगह नजर आते हैं, बहुत शैतान होते हैं ये, इनके पास मत जाना। अच्छा, अगला कंपैरिजन है इंटरनेट स्पीड एंड कॉस्ट। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी डेली लाइफ में आपको अफेक्ट करेगा। तो टोरंटो सिटी में इंटरनेट स्पीड सुपर फास्ट, उसके अलावा क्या था वहां पे, एक बहुत ही अच्छी चीज थी कि $50 महीने का मैं पे करता था और मुझे अनलिमिटेड मिल जाता था इंटरनेट का, ठीक है, वीडियो में डालता था और फटाफट अपलोड हो जाता था, अपलोड स्पीड कमाल की थी। कैलगरी में मैं $85 पे करता हूँ और इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है कि मेरे को एक वीडियो डालने में, यूट्यूब पे अपलोड करने में 1 घंटा लग जाता है। डाउनलोड स्पीड ओके है बट अपलोड स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। उसके अलावा अगर हम चैनल सर्फिंग या ऐसी चीजों की बात करें तो स्पीड ओके है, बुरी नहीं है, मगर देन अगेन $85 देने पड़ते हैं जबकि टोरंटो में सिर्फ $50 देने पड़ते थे। तो इस मामले में डेफिनेटली टोरंटो बेटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मंथली रेंटल। तो देखो भाई, ये तो साफ साफ सी बात है, मंथली रेंटल के मामले में कैलगरी मच मच बेटर है। हम लोग जब टोरंटो में रहते थे, 1 BHK अपार्टमेंट में रहते थे जिसका एरिया हुआ कुछ तकरीबन 550 square feet, और उसका हम लोग पे करते थे $1800, जबकि वो अपार्टमेंट टोरंटो की मेन सिटी से 1.5 घंटे दूर ग्रिम्सबी एक स्मॉल टाउन में था। तो वहां पे अपार्टमेंट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप मेन सिटी में स्कार्बरो जैसे सबर्ब में भी अगर लेते हो और 1 BHK थोड़े से डिसेंट साइज का आपको चाहिए तो आपको आराम से $2,000-2100 तक महीने का खर्चा लग जाता था। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी होते थे वहां पे थोड़े से ज्यादा आते थे। इन कंपैरिजन कैलगरी में हम लोग रह रहे हैं 2 BHK 2 bathrooms और उसका रेंटल है हमारा $1400 पर मंथ। कैलगरी के हिसाब से ये रेंटल सही है, लेकिन अगर टोरंटो से कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप एक बड़े घर में रह पा रहे हो और हमारा जो इस वक्त अपार्टमेंट है वो डाउनटाउन कैलगरी से सिर्फ 7 to 8 minutes की ड्राइव पे है। अगर आपको टोरंटो डाउनटाउन के आसपास या टोरंटो डाउनटाउन में रहना है तो मंथली रेंटल बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। और हमारा यहाँ पे जो पहला महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो $25 आया, तो इन कंपैरिजन हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी कम पे किया। सो मैं ये कहूंगा ऐसी वाली कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैलगरी टोरंटो से बेटर साबित होता है। उसके अलावा अगर आप डेली की ग्रोसरी शॉपिंग और इन चीजों की बात करोगे तो इतना ज्यादा फर्क शायद आपको महसूस नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जो कैलगरी में आपको महंगी पड़ जाती हैं, जैसे टोरंटो में आपको बियर का एक कैन $2 में मिल जाता है लेकिन कैलगरी में आपको $3-3.5 पे करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा भी हो सकता है बेसिक ग्रोसरी कॉस्ट शायद कैलगरी में थोड़ी सी ज्यादा हो लेकिन इतना ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा। एक फैक्टर और है जो मैं बताना चाहता हूँ जहां पे आपको कैलगरी टोरंटो से बेटर लगेगा और वो है टैक्स का। तो जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे आपको टोरंटो में क्या है, टोटल 13% टैक्स देना पड़ता है। वहां पे फेडरल टैक्स अलग है, प्रोविंशियल टैक्स अलग है, तो 8% जो एक्स्ट्रा प्रोविंशियल टैक्स है वो टोरंटो में आपको पे करना पड़ता है। कैलगरी में टोटल टैक्स ही 5% है, एडिशनल कोई और टैक्स नहीं है। तो टैक्स के मामले में आप कैलगरी में सेव कर जाओगे। उसके अलावा आई थिंक प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है और ऐसे कामों में भी आप टैक्सेशन में कैलगरी में बेटर रहोगे। एक चीज और मैं बताऊं, जब सैलरी और प्रॉपर्टी प्राइसेस कंपेयर करें ना, अगर सैलरी की बात करें तो ये कह लो कि लगभग सेम ही है टोरंटो हो गया या कैलगरी हो गया।
आपको इतना फर्क महसूस नहीं होगा। हाँ, मीडियन हाउस होल्ड इनकम फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो कैलगरी में ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेजेस और वो सारी चीजें टोरंटो से ज्यादा है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी प्राइसेस। अब आपको अगर घर खरीदना है, एक डिटैच्ड हाउस खरीदना है आपको अपनी फैमिली के लिए, तो कैलगरी में बहुत अच्छी जगह पर भी आपको 500 से लेके 550,000 तक की रेंज में एक डिटैच्ड हाउस मिल जाएगा, जो कि डाउनटाउन के भी कुछ 20-1 मिनट ही दूर होगा। सेम प्रॉपर्टी अगर टोरंटो में लेने चले गए या GTA में, तो आपको $1 मिलियन तक पे करना पड़ सकता है उसके लिए। अनदर पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है क्लेनलीनेस ऑफ द सिटी। तो क्या जाता है कि कैलगरी हमेशा से मोस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्ट में बहुत ऊपर रहा है, जबकि टोरंटो बहुत नीचे रहता है। जहां पर हम सफाई की बात करते हैं, मैं कहूंगा यस, कैलगरी डेफिनेटली टोरंटो से ज्यादा साफ है। ऑफकोर्स यहाँ भी ऐसे कुछ वो नुक्कड़ या कोने होते हैं जहाँ पे गंद पड़ा हुआ दिख जाएगा, बट इन कंपेरिजन कैलगरी बहुत ज्यादा साफ और सुंदर सिटी है। टोरंटो में मुझे बहुत ज्यादा गंदगी नजर आती थी इधर उधर सड़कों पे पड़ी हुई। अब बात करते हैं कल्चर या लाइफस्टाइल जो है कैलगरी और टोरंटो के बीच में। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा जिन लोगों को नाइट लाइफ पसंद है, क्लब्स में जाना पसंद है, फैंसी रेस्टोरेंट और बार्स में जाना पसंद है, तो डेफिनेटली उनके लिए टोरंटो एक बेटर सिटी है, क्योंकि टोरंटो डाउनटाउन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कैलगरी डाउनटाउन टोरंटो डाउनटाउन के मुकाबले में बहुत छोटा है और यहाँ पे वैरायटी उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, स्पेशली नाइट लाइफ के बारे में। लेकिन अगर फूड कल्चर की बात करें तो फूड कल्चर कैलगरी में भी सुपर हिट है। फूड कल्चर की अगर बात करते हैं तो टोरंटो और कैलगरी बिल्कुल टक्कर के हैं, आपस में कोई नहीं जीतता भाई। वहां पे जितने खाने आपको मिल जाते हैं ना, कैलगरी में भी डिफरेंट कुजींस, वैरायटी, सब कुछ मिलता है। और अगर आपको ये चिंता हो कि इंडियन खाना नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है कैलगरी में। अब अगर कल्चर की बात करें तो कैलगरी में बहुत ही फेमस एक इवेंट होता है, वर्ल्ड फेमस, जिसको हम बोलते हैं कैलगरी स्टैम्पीड, ठीक है, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी आउटडोर एक्टिविटीज हो गई, यहाँ पे बैम्फ सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, उसके अलावा जैस्पर है, आपको ब्रिटिश कोलंबिया जाना है तो अगर ड्राइव कर रहे हो तो 10 से 12 घंटे में आप ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच जाओगे। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है आउटडोर एक्टिविटीज और इन सारी चीजों की कैलगरी में। तो भाई ये तो कंपैरिजन था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं दोनों जगह पे रह चुका हूँ, ठीक है। पहले मैं भी लोगों के पढ़ता था, देखता था, अब मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। तो मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी ओपिनियन से आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आप अपना डिसीजन ठीक तरीके से ले पाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम सून, बाय।